नमस्कार, न्यूज में हूँ आपके साथ पल्लवी पाठक। पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र प्रारंभ होने से पहले कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं जल्दी से कोरोना वैक्सीन बने, हमारे वैज्ञानिक इस प्रक्रिया में सफल हो और हमें इस बीमारी से बाहर निकालने में भी सफल हो। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बीते कल कहा कि अभी तक इस चीज़ की तारीख तय नहीं है कि कोरोना वैक्सीन कब आएगी, लेकिन 2021 की शुरुआत में वैक्सीन जरूर तैयार हो जाएगी। संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में दो बार, एक बार राज्यसभा एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई देश इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं हो पाया है। अब तक भारत ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी देश की कोरोना वैक्सीन ट्रायल पर सहमति नहीं जताई है। केंद्र सरकार टेस्टिंग बढ़ाकर और घरेलू वैक्सीन निर्माण से वायरस को काबू करने पर काम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि भारत में बन रही वैक्सीन की क्षमता इस साल के अंत तक पता चल जाएगी। वैक्सीन आने का अंदाजा साल 2021 की शुरुआत में लगाया जा रहा है। विचार इस पर भी हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका कैसे लगाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कोविड वैक्सीन ट्रायल के दौरान पूरी तरह से सावधानी बरती जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि टीका पहले उन लोगों को लगाया जाएगा जिनकी इसको सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे वह इसका भुगतान कर पाए या नहीं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,84,000 के पार पहुंच चुकी है और करीबन 69,754 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं।